पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करने के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयोजित सभी तरह के सामानों पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200% कर दिया है और ऐसा करने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। भारत ने पाकिस्तान को विश्व व्यापार संगठन WTO बनने के एक साल के बाद 1996 में MFN का दर्जा दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक भारत को यह दर्जा नहीं दिया, लेकिन अब पाकिस्तान से भी यह दर्जा छीनकर भारत ने संदेश दिया है कि पाकिस्तान पर अब भारत नरमी बरतने के मूड में नहीं है। ड्यूटी बढ़ाए जाने का पाकिस्तान से भारत को होने वाले 3,482 करोड़ रुपए के निर्यात पर बड़ा असर होगा। पाकिस्तान भारत को ताजे फल, सीमेंट, बड़े पैमाने पर खनिज और अयस्क आयात करता है, जिस पर टैक्स बढ़ गया है। पाकिस्तान से आने वाले चमड़े, खाद्य रसायन, कच्चा कपास, मसाले, ऊन, रबड़ का आयात पर 200% लगेगा। आयात शुल्क को 200% बढ़ाने का मतलब है पाकिस्तान से आयात बैन करने जैसा ही है। भारत पाकिस्तान के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 2.27 अरब डॉलर, जिसमें काफी गिरावट आई है। भारत ने 2017 और 18 में 48.85 करोड़ डॉलर का सामान पाकिस्तान से आयात किया, जो अब आधे से कम रह सकता है। पाकिस्तान के कारोबारियों का मुनाफा कम हो जाएगा। पाकिस्तान ने अभी तक भारत से आयात किए गए सामान पर काफी ज्यादा टैक्स लगाता है। पाकिस्तान सरकार इससे काफी रेवेन्यू जमा करती है। भारत ने व्यापारिक संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान को यह दर्जा दिया था। आमतौर पर यह उन देशों को दिया जाता है जिनका ट्रेड रिकॉर्ड ठीक हो, जिनके साथ संबंध ठीक हो, लेकिन पाकिस्तान के संबंध खराब होने के बावजूद उसे यह दर्जा दिया गया। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि सबसे ज्यादा तरजीह वाला देश। विश्व व्यापार संगठन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों के आधार पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है। जिस देश को यह दर्जा मिलता है उसे आश्वासन रहता है कि उसे कारोबार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जिस देश को यह दर्जा मिलता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, पाकिस्तान से आने वाले सामान पर आयात शुल्क कम रखा गया था। MFN दर्जे के चलते किसी देश के आने से वाले सामान की मांग बढ़ती है। MFN के दर्जे के चलते पाकिस्तान के लिए भारत के बाजार खुले थे, लेकिन अब नहीं है। MFN दर्जा प्राप्त देश से कारोबार सबसे कम आयात शुल्क पर होता है। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। 2016 में उड़ी हमले के बाद भी भारत ने पाक से MFN का दर्जा वापस लेने के संकेत दिए थे, हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इसे जारी रखा। पाक ने कभी भी भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया। WTO के अनुच्छेद 21B के तहत कोई भी देश किसी देश को दिया MFN का दर्जा तब तक वापस ले सकता है जब उन देशों के बीच सुरक्षा संबंधित मुद्दे पर विवाद हो। हालांकि नियम के मुताबिक किसी भी देश से MFN का दर्जा लेने के लिए सारी शर्तें पूरी करनी होती हैं। माना जा रहा है कि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात को बड़ा झटका लगेगा। दोनों देशों के बीच साल 2018 में 2.40 बिलियन डॉलर रहा था, जो कि भारत के कुल व्यापार का सिर्फ 0.4% है। भारत इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सख्त कदम उठा सकता है। अगले हफ्ते पेरिस में होने वाले FATF की बैठक में भारत की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।